आपने हवाई जहाज को हमेशा आसमान में उड़ते देखा है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक हवाई जहाज पुल के नीचे फंस गया है और उसकी वजह से लंबा जाम लग गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, ऐसा सच में हुआ है और ये घटना है बिहार की, जहाँ मोतिहारी के पीपरा कोठी ओवर ब्रिज के नीचे एक हवाई जहाज फंसने की खबर सुनकर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते वहां पर लंबा जाम लग गया। इस खबर के बारे में आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर पुल के नीचे प्लेन कैसे फंसा और इसका नजारा। बताया जा रहा है कि इस हवाई जहाज को किसी कारोबारी ने मुंबई में हुई नीलामी में कबाड़ के तौर पर खरीदा था। मुंबई से असम एक बड़े ट्रक लॉरी से इसको ले जाया जा रहा था। पीपरा कोठी में एनएच 28 पर गोपालगंज की तरफ से आने वाले वाहनों को ओवर ब्रिज के नीचे से पार कर मुजफ्फरपुर की ओर जाना होता है। हवाई जहाज लदा ट्रक पीपरा कोठी के पास ओवर ब्रिज से निकल ही रहा था कि उसी दौरान ओवर ब्रिज के नीचे जहाज का ऊपरी हिस्सा फंस गया और बस यहीं पर ट्रक अटक गया। जैसे ही ओवर ब्रिज के नीचे प्लेन फंसा, वैसे ही वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। करीब 2 घंटे तक वहां पर जाम की स्थिति बनी रही। ओवर ब्रिज में प्लेन के फंसने की खबर तेजी से फैलती गई। आसपास के लोग ये नजारा देखने के लिए दौड़ पड़े और सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग ये जानने के लिए परेशान हो गए कि आखिर हवाई जहाज यहाँ पर आया कैसे और यहाँ कैसे लैंड कर गया। घटना के बाद जाम लगने के बाद लोगों ने पीपरा कोठी थाने को इस मामले में सूचना दी। थाना अध्यक्ष समेत कई अधिकारी आनन फानन मौके पर पहुंचे और प्लेन की बॉडी को वहां से बाहर निकलवाया। दरअसल फ्लाइट की बॉडी लखनऊ से असम के लिए ट्रक से सड़क मार्ग के द्वारा ले जाया जा रहा था और इसी दौरान पीपरा कोठी ओवर ब्रिज पार करने के दौरान वहां फंस गई। जब प्लेन फंसा था तो लोग तस्वीर और सेल्फी ले रहे थे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार प्लेन जब निकला तो जाम में फंसे वाहन और लोगों ने राहत की सांस ली। इसके लिए लॉरी के सभी टायरों की हवा निकाली गई, जिससे उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हुई। फिर जहाज समेत लॉरी को बाहर निकाला गया और उसके बाद पुलिस ने एनएच पर लगे जाम को खुलवाया। तो वहीं इस मामले में पीपरा कोठी पुलिस ने बताया कि कबाड़ के हवाई जहाज की बॉडी ट्रक पर लोड की गई थी। ट्रक मुंबई से असम जा रहा था। पीपरा कोठी ओवर ब्रिज के नीचे ट्रक फंस गई थी। ट्रक के सभी पहियों की हवा निकाली गई और इसके बाद एनएच पर यातायात को शुरू किया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।